हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृश्याज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, ये है आज करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग। तो अभी नहा धो लिए हैं और हल्का सा मैं मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग करूँगी। और ये देखें मेरी मेहंदी का रंग कैसा जचा है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी मेहंदी का कलर कैसा आया है। तो हमें काम भी करना पड़ता है, वही तो पानी में ज़्यादा हाथ रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट आ रखा है। तो वैसे मैंने रात को सोने से पहले ना अपनी मेहंदी पर विक्स भी लगा ली थी, तो लौंग भी आप यूज़ कर सकते हैं तवे पे डाल के उसको, तो उससे भी काफ़ी डार्क कलर आता है। तो फिर अभी मुझे लगा कि चलो कि थोड़ा सा मैं भी लाइट से मेकअप कर लेती हूँ। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे एकदम झूठ मूठ से काम है, तो मैं शायद मुझे टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर मेरा मेकअप ठीक ठाक रहा तो फिर मैं इवनिंग में मैं इसी मेकअप को बेस रेडी हो जाएगा मेरा, तो इसी मेकअप को थोड़ा सा मैं और फिनिशिंग दे दूँगी। तो हल्का सा लाइट सा मैं अभी मेकअप कर लेती हूँ, तो क्योंकि आज का शेड्यूल बिजी रहने वाला है। तो कैसा चल रहा है आप सभी का करवा चौथ? आई होप अच्छा चल रहा होगा। तो बस अभी हमने मॉइस्चराइजिंग टोनिंग कर ली है और थोड़ा सा कर लेंगे बेस रेडी। बस जो डार्क सर्कल वगैरह थोड़े से छिप जाएंगे और हो जाएंगे रेडी, फिर हम चलेंगे मंदिर। चलते हैं मंदिर, तो थोड़ा सा मुझे सामान भी लेके आना है, तो मंदिर के पास से ही मुझे मिल जाएगा। तो जो मिट्टी के करवे वगैरह होते हैं ना, वो मुझे लाने हैं। मैं कल लेके नहीं आई थी, गुड़िया के चक्कर में ये तोड़ देती है, तो मैंने कहा चलो आज मॉर्निंग में लेके आऊँगी। तो चलिए फिर। Thank you.
गाइस, तो कैसे चल रहा है करवा चौथ का फास्ट आपका? तो टाइमिंग हो गया है 1:30 का और बच्चों को लगी है भूख, तो ब्रेकफास्ट बच्चों ने कर लिया था, तो अभी गुड़िया को खाना है ये सब। ये देखिए, तो ये मेरे पास फ्रोजन थे, इनको मैंने अभी इसमें डाल के डीप फ्राई कर दिया है। तो बस अभी बच्चों को दूंगी मैं ये, इनको भाई फेवरेट है फ्रोजन, समोसाज, टिक्कीज, ये सारा। और फिर अभी मैं करूँगी अपनी तैयारी, पूजा की तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर अपना रेडी होएंगे पूजा के लिए। तो थोड़ा सा ना खुले हेयर में मैं हो रही थी परेशान, चलिए थोड़ा सा इसको ना हल्का सा स्टाइल कर लेते हैं और एक दो काम करते हैं, देन उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा की तैयारी। चलिए करते हैं बस पूजा की तैयारी। तो इसको मैं डालूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन देगा आपके लिए अच्छी अच्छी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।